अगर आपने भी फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी में जो है आपने कारामिया लेबलिंग की, जो कि फ्लिपकार्ट की लेबलिंग है, उसमें आपने जो है इस वाली ब्राउन मेहंदी को बिकते हुए देखा है, अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। इसको जो है लगा के जो है अप्लाई करके टेस्ट करके इसको आपको पूरा इसका रिजल्ट बताने वाला हूँ। टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो को, मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले बात कर लें इसके इंग्रीडियंट्स में, जो बैक साइड में बता रखे हैं, तो ये जो है आप देखिए यहाँ पे 10 हर्ब्स के थ्रू बना हुआ है। ऑब्वियसली इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो हिना लीव्स की है, जो कि मेहंदी की पत्तियां हैं, वो 95.88% है। बाकी इसमें जो है 9 जो बाकी हर्ब्स डली हैं उन सब के बारे में यहाँ पे बता रखा है, जैसे आंवला डला है, निम्बा है, जटामानसी है, शिकाकाई है, भृंगराज है, भेड़ा है, ब्रह्मी है, ऐसे करके यहाँ पे 9 जो है हर्ब्स इसमें एडिशनली और भी डाल रखी हैं। यहाँ पे इसके बेनिफिट्स बता रखे हैं, अगर आप देखें तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें जो है प्रिजर्वेटिव का भी यूज़ किया गया है, और जो है इसको यूज़ कैसे करना है उसका यहाँ पे जो है क्वांटिटी बता रखी है। तो अगर आप 1 पार्ट जो है कारामिया का हिना पाउडर जितना भी लेंगे उसके 3 गुना जो है आपने जो है इसमें पानी जो है मिक्स करके डालना है, और उसके बाद जो है 45 मिनट के लिए जो है इसको भिगो के जो है रख देना है। और एक बार जब आप अपने जो है बालों में इसे लगाएंगे तो रूट से जड़ों से स्टार्ट करना है और बालों के आखिरी टिप तक जो है वहां तक इसे अप्लाई करना है। और लगाने के बाद जो है रेकमेंड कर रखा है कि आप जो है 90 मिनट 1.5 घंटे के लिए जो है इसको बालों में लगा के छोड़ देंगे और उसके बाद अपने बालों को जो है पानी से धो लेंगे। तो ये वाली डिटेल है इसको यूज करने की। इस साइड अगर जो है बाकी इसकी डिटेल के बारे में देखें तो इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देहरादून उत्तराखंड में जो है यहाँ पे जो है रंजना कॉस्मो केमिकल प्राइवेट लिमिटेड जो है ये वाली कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है। हालांकि सिर्फ जो इसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग जो है वो यहाँ पे फ्लिपकार्ट कर रहा है। बाकी अगर इसकी जो है इसके जो है यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह की बात कर ले तो 120 रुपीज़ का ये जो है पैकेट बता रखा है, और ये पैकेट जो है यहाँ पे देखें तो 120 ग्राम का ही है। हालांकि आप फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी में देखेंगे तो आपको 120 रुपीज़ देने की जरूरत नहीं है, इससे ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में जो है ये मिल जाता है, मगर इसका वेरी जो है प्राइस जो है वेरी होता रहता है टाइम टू टाइम। तो जल्दी से पैकेट को जो है अब कट करके जो है इसको रात भर में भिगो के रखूंगा। हालांकि 45 मिनट ही बताया था मगर मेरे को कोई जल्दी नहीं है इसे जो है अप्लाई करवाने के लिए, तो उसको जल्दी से कट कर लेते हैं और इसकी जो है हाफ क्वांटिटी जो है वो मैं भिगो देता हूँ, इसमें निकाल देते हैं। इसकी जो अभी फ्रेग्रेंस है जो बिल्कुल एकदम ताजी जैसे पत्तियां पिस के आती हैं, जो पुराने टाइम में जो है हम खुद भी जो है हरी पत्तियां पीस के खुद ही बनाते थे, तो बिल्कुल फ्रेश एकदम जो है लीव्स की आ रही है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं ऑलरेडी जो है गोदरेज निपुर का भी जो है उस हिना को भी जो है उसका टेस्ट कर चुका हूँ, उसका भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है तो उस वीडियो को भी जो है अलग से आप जाके देख लीजिएगा। तो 12 घंटे के रखने के बाद आप देख सकते हैं ओवरनाइट जो है इस तरीके से थिक पेस्ट इसकी बन चुकी है। अब जल्दी से इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आपको पहले दिखा दूँ ताकि बाद में रिजल्ट देखने में जो है इजी रहे। यहाँ पे इसको मैं अप्लाई करने वाला हूँ, तो आपको जो है अप्लाई करने के बाद इसको 2-3 घंटे के बाद इसे वॉश करने के बाद इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है इसका रिजल्ट रहा है, इसका कलर काफ़ी जो है अच्छे से आया है। तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा ये मेहंदी, इनका जो है प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, कोई भी इसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं लग रही है। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर करने का ट्राई करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।